पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश का असर अब हर जगह दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियों और डैम में पानी की मात्रा बढ़ रही है, तो वहीं इसका असर अब मैदानी इलाकों में भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद से सामने आई है, जहां 9 से अधिक गाँव में कोसी नदी और रामगंगा का पानी लोगों के खेतों को अपनी चपेट में ले चुका है। मुरादाबाद के कई गाँव में पानी सड़कों पर आ चुका है, तो कई गाँव में खेतों में लगी फसल को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। मुरादाबाद के काजीपुरा मुस्तफा पर रामगंगा नदी का पानी किसानों के खेतों में इस कदर घुस चुका है कि लोग मजबूरी में अपनी ओर अपने पशुओं की जान को जोखिम में डालकर उनके लिए चारा लाने को मजबूर हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको डरा देंगी कि कितना मुश्किल भरा समय इनका है। नाजना में नाजी भाई, क्या स्थिति है खेतों की, खलियानों की? स्थिति क्या है, ये सारी फसल मर गई। बिल्कुल जो सोच रहे हैं कि उम्मीदवार थी इस खेती की, सारी ही खत्म हो गई। कितने गांव प्रभावित हैं इस तरह के? ये कम से कम 30-40 गांव हैं। 30-40 फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल बर्बाद हो गई, किसी काम की ना रही, सब बेकार हो गई। किस तरह की फसल होती है इन क्षेत्रों में? यहाँ तो कुछ गन्ना भी होता है, धान भी होते हैं, गेहूँ भी होते हैं, ये चीज होती है। सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। क्या कोई अधिकारी या कोई जन? अरे यहाँ कौन सुनने के लिए आ रहा है? यहाँ तो बस यही है कि कोई आ गया, तुम लोग आ गए तो तुमने पूछ लिया ना, यहाँ कौन पूछ रहा भाई साहब। अच्छा, क्या आप लोगों की फसल का बीमा हो रखा था? नहीं नहीं, हमारा कोई बीमा नहीं। सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं आप लोग? उम्मीद तो यह है कि तुम ही कुछ करोगे तो शायद के हो सके, है ना। हमें तो कोई पता ही ना, किसान आदमी है, हमें क्या पता। कौन सा गांव है ये? ये काजीपुरा मुस्तफापुर है। फसल तबाह हो गई पूरी तरीके से? बिल्कुल तबाह हो गई फसल। लोगों को किस तरीके की, क्या गांव में भी पानी है या खेतों में पानी है खाली? खेतों में ही है, गांव में तो खैर के अभी नहीं है, मगर ये खेतों में ही है। खेत सी नदी का पानी है यही, क्या बोले, ये जो आ रही है गंगा, रामगंगा, इसी नदी का पानी है। पानी बढ़ रहा है, उतर रहा है? पानी बढ़ ही रहा है, उतरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी 8-10 दिन हो गए पानी को चलता हुआ, यहाँ हर साल ही आता है साहब। आपके क्या है, हर साल ही आता है। गुजारिश करना चाहेंगे शासन से, प्रशासन से? गुजारिश क्या, ये तो जितनी गुजारिश हो सके अच्छा ही है, ऐसा मान लो। परेशानी है, कोई मदद की उम्मीद करना चाहेंगे? यार मदद करोगे तो तुम बाल लोग करोगे, ऐसा मान लो। हम तो कह ही सके हैं, या गवर्नमेंट करेगी, ऐसा मान लो। ठीक, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मनजीत सिंह है। मनजीत सिंह भाई, आपसे जानना चाहेंगे कितने गांवों में ये बाढ़ का पानी प्रभावित? ये तो सर जितने भी रामगंगा के किनारे गांव हैं, सब में पानी है। खेतों की क्या स्थिति है? खेतों में तो सर ये पानी जो है सब में घूम रहा है। जितने धान, उड़द, चरई, बाजरा, लाई बोई हुई थी, ढोलों का चारा सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया सर। अच्छा, करीब कितने गांव में इस तरीके से, कितने किसानों को जिनका खेत नुकसान हुआ होगा? सर किसानों का लगन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो धोरे पड़ोस के गांव हैं वो 10-12 से भी ज़्यादा होंगे। रामगंगा किनारे जितने भी गाँव हैं सब हैं, सबको फसल बर्बाद हो गई। सब फसल बर्बाद हो गई सर। क्या अधिकारियों ने इधर भ्रमण किया, देखा? ना ना, किसी ने कोई ना आए। जब से 5 दिन से बारिश हो रही है कोई नहीं आया। पानी भी कल से आ रहा, कोई नहीं आया। रास्तों पे पानी है, बहुत परेशानी है। पानी बढ़ रहा है, घट रहा है? पानी समय बढ़ रहा है सर। क्या फसल बीमा करा करा रखा था? हाँ, फसल बीमा करा रखा हमने। और हमारा तो घर भी सर ऐसी जगह है, वहाँ रास्ते पे भी पानी है, सब जगह पानी। रोड से 500 मीटर अंदर घर है हमारा, और हम जो है सिख परिवार से आते हैं, हमारे 4-5 घर है वहाँ पर, तो सब पर पानी है, घर के चार तरफ पानी। कब से ये पानी? ये सर पुराना तो बहुत समय से आ रहा है, लेकिन अभी तो ये 2-4 दिन से ही है, कल से है, पहले तो बहुत दिनों से है ये। इसका कोई प्रबंध ही नहीं हुआ आज तक। लगभग कितनी फसल आपकी? हमारे पास फसल सर 2 एकड़ है बस। किस चीज़ की फसल हुआ? धान की फसल है, धान, कुछ उड़द, कुछ खेती, सब बर्बाद। सब बर्बाद, सब में पानी है। वहाँ तक आपकी गाड़ी जा नहीं सकती, तो दिखा देते आपको, सब में पानी है, सब बह गई, सब बह गई। सर, मुरादाबाद के कुछ इलाकों में जो है पानी भरने का मामला सामने आया है, जो रामगंगा नदी और कोसी नदी की तरफ। देखिए, मोड़ा पांडे क्षेत्र में कोसी नदी से कुलनाव गांव प्रभावित हुए हैं, जिस पे आज हम लोगों ने सभी 9 गांव का भ्रमण किया, ग्रामवासियों से वार्ता किया है। जो अर्ली वेराइटी के हमारे धान है उसकी फसल काफ़ी नुकसान पहुँचा है, और जैसे ही पानी कम होता है हम लोग उसका सर्वे अगले 1-2 दिनों में शुरू करा देंगे, और जो भी जो राज्य सरकार के मानक हैं उसके अनुसार उनका फसल का 30% से ऊपर नुकसान हुआ है, उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
कहाँ कहाँ पानी? देखिए मेन बताए कोसी नदी से ही हमारा ज्यादा प्रभावित हुआ है और नौ गांव इसके जो है हमारे अभी तक प्रभावित हैं। सर कितने किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा से करीब सुरक्षित होंगे, उनका बीमा होगा? देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने जिले के 8,000 किसानों ने फसल बीमा कराया पूरे जिले से। अब उसमें से इन नौ गांव के जो भी किसान होंगे उनको उसके माध्यम से भी राहत दी जाएगी, उसके अलावा राहत विभाग से राजस्व विभाग से जो राहत दी जाती है वो पृथक होती है, सभी किसानों को दी जाती है जिनकी भी क्षति 1/3 से ज्यादा। सर किसी भी प्रकार के अभियान भी चलाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से हर कोई किसान? निश्चित रूप से देखिए अभी आबादी में चूंकि पानी नहीं आया है, अभी जो भी पानी आया है कृषि क्षेत्र है उसमें हम लोग लगातार निगाह रखते हैं और पानी घटना शुरू हो गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि कल तक की स्थितियां काफी तक नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन जो फसल क्षति हुई है उसका हम लोग पूरा सर्वे कराएंगे और उनको जो कंपनसेशन है कंपनसेशन।